Hi, this is Sneha Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. I also hope that your studies are going really well. In this particular class, we are going to revise three standards, that is essay number 706, essay number 710 and essay number 720. In teen standards ko hum is particular class mein cover karenge. Jo aapka essay number 706, 710 hai, wo inter wale bachcho ke liye bhi applicable hai, to wo bhi aapke स्टैंडर्ड्स को इस पर्टिकुलर क्लास से कवर कर सकते हैं, और 720 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये वाला स्टैंडर्ड आपके फाइनल वाले बच्चों के लिए रेलेवेंट होगा। इससे पहले भी मैंने तीन स्टैंडर्ड्स कवर करे हैं एसए 700 की सीरीज के, जो मैंने कल क्लास डाली थी, तो अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है, डू वॉच दैट क्लास, क्योंकि वो आपका बेस बनता है इन बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए, राइट? सो आई एम स्टार्टिंग विद एसए नंबर 706 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग, जितने भी नोट्स होंगे, जितना मैंने जी ड्राइव पे डालना था डाल दिया, उसके बाद जितने भी नोट्स अवेलेबल होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे, और मैंने क्लास में बोला था कि बाय संडे, दैट मींस बाय टुडे आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक टू द चैनल, बट वो अभी नहीं हो पाया है, तो कल तक मैं उसको दे दूंगी, दैट मींस मंडे तक वो मिल जाएगा। तो आप होम सेक्शन को चेक करते रहना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पर यू विल बी एबल टू डाउनलोड दोज नोट्स, राइट? उसके अलावा अगर मुझे कोई और मटीरियल शेयर करना है, कोई क्लास शेयर करनी है, उसको भी मैं चैनल पर ही शेयर करूंगी, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, सो एम स्टार्टिंग विद एसे नंबर 706, जो बात करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ईओएम पैरा एंड ओएम पैरा को लेकर। ईओएम पैरा का मतलब होता है इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, मतलब कुछ ऐसे मैटर जो आपके मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करे हैं, कुछ ऐसे मैटर जो आपके मैनेजमेंट ने जिनका डिस्क्लोजर्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है, लेकिन आपके ऑडिटर को लगता है कि ये मैटर इतने इंपॉर्टेंट है, आपके ऑडिटर को लगता है, मतलब ये आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है जिसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि ये मैटर्स जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको पता होना चाहिए इन मैटर्स के बारे में, तो आपका ऑडिटर इन मैटर्स की डिस्क्रिप्शन देता है एक पैरा में, जिसको कहते हैं ईओएम पैरा, राइट? उसके बाद आता है ओएम पैरा। ओएम पैरा में आपका ऑडिटर बताता है अदर मैटर्स के बारे में, किसके बारे में? अदर मैटर्स के बारे में, मतलब ये वो मैटर्स हैं जो आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं करे, ये वो मैटर्स हैं जो आपकी मैनेजमेंट ने, जिनका प्रेजेंटेशन आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिया, पर आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग ये मैटर इतने सिग्निफिकेंट है कि वो चाहता है कि जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो इन मैटर्स को पढ़े, तो आपका ऑडिटर इन मैटर्स के डिस्क्रिप्शन देता है अंडर ओ एम पैरा। डिफरेंस ये है दोनों में, ई ओ एम पैरा एंड ओ एम पैरा में, कि ईओएम पैरा में आपका ऑडिटर इंफेसिस देता है, मतलब दबाव डालता है उन मैटर्स के ऊपर जो मैटर्स आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिए हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ में आपका ऑडिटर उन सारे मैटर्स को बताता है जो आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करे हैं। बहुत ही छोटा सा इजी सा स्टैंडर्ड है, राइट? सो आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा एज पर एसए नंबर 706? तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको इंक्लूड करना है एक ईओएम पैरा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। कि कब करेगा वो ईओएम पैरा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड? जब उसकी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मैटर जो आपकी मैनेजमेंट ने एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट कर दिया है, अब एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उनको इस मैटर के बारे में पता होना चाहिए, तो उनकी अटेंशन को डायरेक्ट करने के लिए, उनकी अटेंशन को इस मैटर के टुवर्ड्स डायरेक्ट करने के लिए आपका ऑडिटर ईओएम पैरा डालता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, राइट? उसके बाद एसए नंबर 706 कहता है कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ओएम पैरा। क्या इंक्लूड करेगा वो? ओएम पैरा उन मैटर्स के रिलेशन में जो मैटर्स आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं किए, वो मैटर्स जो आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करे हैं, लेकिन वो मैटर जो आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट मैटर हैं कि उनके ऊपर जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उनकी अटेंशन आनी चाहिए, राइट? तो वो सारे के सारे मैटर्स उनकी डिस्क्रिप्शन आपका ऑडिटर देता है ओएम पैरा में। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है एसए नंबर 706। उसके बाद आता है कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट आपका एसए नंबर 706 आपके ऑडिटर के ऊपर लगाता है।
ऐसे नंबर 706 कहता है कि ऑडिटर तुम क्या करोगे, तुम एक ईओएम पैरा डालोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, और जब तुम ईओएम पैरा डालोगे उसमें तुम कौन से मैटर इंक्लूड करोगे, जो मैंने आपको अभी भी बताया, उस पैराग्राफ में तुम्हें वो मैटर्स इंक्लूड करने हैं जो तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट मैटर हैं दैट यू वॉन्ट टू डायरेक्ट द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुवर्ड्स दिस मैटर्स, एंड ये मैटर वही मैटर्स होंगे जो आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करे हैं, प्रेजेंट किए हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि आपका ऑडिटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बनता है, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, कि आपका ऑडिटर उन मैटर्स को ईओएम पैरा में नहीं डालेगा जिन मैटर्स की वजह से आपका ऑडिटर एक मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है। इस चीज को मैंने आपको कहां पे भी बताया था, एसए नंबर 701 में भी बताया था। अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि कोई मैटर इंपॉर्टेंट मैटर है, राइट, और वही मैटर अल्टीमेटली वो मैटर भी है जिसकी वजह से आपका ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, तो ये स्टैंडर्ड कहता है उस मैटर को आपका ऑडिटर ईओएम पैरा में नहीं डालेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि जो मैटर आपका ऑडिटर अपने की ऑडिट मैटर पैरा में डालता है उन मैटर को भी आपका ऑडिटर अपने ईओएम पैरा में नहीं डालेगा। यहां से एमसीक्यू बन सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, आपका ऑडिटर एक स्पेसिफिक सेक्शन इंक्लूड करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, मतलब आपका ऑडिटर इन ईओएम, ये जो मैटर है उनको कहां पे इंक्लूड करेगा, एक ईओएम पैरा में इंक्लूड करेगा, और आपका ऑडिटर एक सेपरेट सेक्शन इंक्लूड करेगा, और उस सेपरेट सेक्शन की हेडिंग क्या होगी, ईओएम पैरा, राइट, और उसमें एक क्लियर रेफरेंस दी जाएगी उन मैटर्स के ऊपर जो आपका ऑडिटर, जिन मैटर्स के ऊपर आपका ऑडिटर इम्फेसिस डाल रहा है, मतलब दबाव डाल रहा है, अटेंशन ड्रॉ करने वाला है, और आपका ऑडिटर एक रेफरेंस देगा कि जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उस मैटर को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनके डिस्क्लोजर्स जो भी आपकी मैनेजमेंट ने दिए हैं इन रिलेशन टू दैट मैटर, जिन मैटर्स को आपका ऑडिटर ईओएम पैरा में इंक्लूड करना चाहता है, आपके यूजर्स उन मैटर्स को एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पे ढूंढ सकते हैं, इसकी रेफरेंस भी आपका ऑडिटर देगा। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर इस बात को भी लिखेगा, वो स्टेट करेगा कि जो मैटर्स मैंने ईओएम पैरा में डाले हैं उन मैटर्स की वजह से मैंने मॉडिफिकेशन नहीं दी है, राइट, तो ये सारी चीजें आपका ऑडिटर इंक्लूड करेगा, वो बताएगा जब वो एक ईओएम पैरा डालेगा। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो आपके ईओएम पैरा डालने को बोलती है, मतलब कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड जो बोलते हैं कि जिस सिचुएशन में आपके ऑडिटर को एक ईओएम पैरा डालना पड़ता है। एक तो आता है आपका एसए नंबर 210, एक आता है आपका एसए नंबर 800, और एक आता है आपका एसए नंबर 560। इन तीनों में तीन ऐसी चीजें हैं, और ये तीनों चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में। इन स्टैंडर्ड में हम अलग अलग सिचुएशन पढ़ते हैं जहां पे आपके ऑडिटर के ऊपर रिक्वायरमेंट आती है टू इंसर्ट दी ईओएम पैरा। कौन-कौन सा? नंबर वन, जब कोई लॉ या रेगुलेशन एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब करता है विच इज अनएक्सेप्टेबल। कई बार एंटिटी के ऊपर कोई लॉ लगता है, कोई रेगुलेशन लगती है जिसकी कंप्लायंस करते हुए आपकी मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, तो अगर कोई लॉ कोई रेगुलेशन ऐसा है, कोई लॉ रेगुलेशन कोई ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब करता है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो उस केस में आपका ऑडिटर ईओएम पैरा में मैटर को स्पेसिफाई करता है, राइट, इस चीज को हमने एसए नंबर 210 में भी पढ़ा था। उसके बाद आपका ऑडिटर एक ईओएम पैरा डालता है टू अलर्ट द यूजर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। कई बार आपकी मैनेजमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है एज पर द टैक्स लॉज, क्योंकि उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, तो आपका ऑडिटर अगर मैनेजमेंट ने अपनी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो अपने यूजर्स को अलर्ट करने के लिए उस चीज को भी कहां पे इंक्लूड कर सकता है, अपने ईओएम पैरा में इंक्लूड कर सकता है। और अगर आपके ऑडिटर को कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पता लगता है और जो भी उसके ऊपर ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी आती है अंडर एसए नंबर 560, तो उस केस में भी आपके ऑडिटर को ईओएम पैरा डालना पड़ता है। इस चीज को हम एसए नंबर 560 में भी कवर करते हैं, राइट, तो ये आपके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड हैं जो आपके ऑडिटर के ऊपर ईओएम पैरा डालने की रिक्वायरमेंट लगाते हैं। अब आता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जाम में यहां से 4 से लेकर 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन-कौन से वो सर्कमस्टेंसेस होंगे, कौन-कौन से वो सिचुएशंस होंगी जहां पे आपके ऑडिटर को ईओएम पैरा डालना पड़ेगा। देखो, ईओएम पैरा का मतलब क्या है कि वो एक पैरा है जिसके अंदर वो मैटर हैं
वो मैटर जो मैटर आपके मैनेजमेंट ने भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करे हैं, पर आपके ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये मैटर इतने इंपॉर्टेंट है कि मुझे इन मैटर को हाईलाइट करना है, इनके ऊपर इम्पेसिस देना है, तो कौन कौन से वो सर्कमस्टांसिस हैं? ये सर्कमस्टांसिस क्या हैं? दीज आर द एग्जांपल्स, राइट? तो आपका ऑडिटर जिन सर्कमस्टांसिस में ईओएम पैरा डाल सकता है, नंबर वन, अगर यहां पर कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट दी लिटिगेशन जो आपके एंटिटी के ऊपर चल रही है, मतलब आपके एंटिटी के ऊपर कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई केस चल रहा है, और आपकी मैनेजमेंट आपकी एंटिटी अनसर्टेन है कि उसकी आउटकम क्या होगी, तो उस चीज को फोकस दिलाने के लिए आपका ऑडिटर उसको कहां पे डाल सकता है? ईओएम पैरा में डाल सकता है। उसके बाद अगर आपके ऑडिटर को कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट मिलता है और वो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है, एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, और वो इवेंट उसको कब मिला है? आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इस चीज को मैंने आपको अभी बताया कहां पे भी पढ़ते हैं हम, एसए नंबर 560 में भी पढ़ते हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी मैनेजमेंट ने किसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अर्ली एप्लीकेशन करी है, मतलब किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आया है या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नया इंट्रोड्यूस्ड हुआ है पर अभी तक उसको अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, पर आपकी एंटिटी ने उस स्टैंडर्ड को अर्ली अप्लाई किया है और उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है, उस केस में भी इस चीज को हाईलाइट करेगा आपका ऑडिटर अपने ईओएम पैरा में, राइट? उसके बाद कहता है कि अगर कोई मेजर कैटास्ट्रोप आ जाए, मेजर कैटास्ट्रोप मतलब, कैटास्ट्रोप का मतलब होता आपदा, मतलब फॉर एग्जांपल कोई फ्लड आ गया या कोई भूकंप आ गया, तो इस चीज को भी अगर इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन पे, तो उसको भी वो कहां पे डालेगा? ईओएम पैरा में डालेगा। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये मैटर्स है, सर्कमस्टांसिस, और बहुत ईजी मैटर्स है, राइट? किस किस सिचुएशन पे अगर कोई लिटिगेशन चलती है, अगर कोई कैटास्ट्रोप आ जाए, राइट, अगर कोई अर्ली एप्लीकेशन आपकी मैनेजमेंट ने करी है और सब्सिक्वेंट इवेंट, तो इन सिचुएशन में आपके को एक पैरा डालना पड़ता है जिसको कहते हैं ईओएम पैरा। फिर आता है कि आपका ऑडिटर ओएम पैरा कब डालेगा, मैंने आपको अभी भी बताया, ओएम पैरा आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उस सिचुएशन में डालता है जब आपके ऑडिटर को लगता है कि उसको कुछ ऐसे मैटर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचाने हैं जो मैटर्स आपके मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको प्रेजेंट नहीं किया है, पर आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग वो मैटर इतने सिग्निफिकेंट हैं कि जो आपके यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनकी अटेंशन शुड बी ड्रोन टुवर्ड्स दिस मैटर, तो उस केस में आपका ऑडिटर पैरा डालता है कौन सा? ओएम पैरा, राइट? लेकिन आपका ओएम पैरा किस सिचुएशन में नहीं डलेगा? अगर कोई लॉ या रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है, उसके साथ साथ जहां पे आपका ऑडिटर की ऑडिट मैटर पैरा डाल देता है वहां पे वो ओएम पैरा नहीं डालेगा, मतलब जिन मैटर्स को उसने की ऑडिट मैटर बोल दिया और वहां पे उसने की ऑडिट मैटर पैरा डाल दिया, जो हमने एसए नंबर 701 में पढ़ा था, वहां पे आपका ऑडिटर आपका ओएम पैरा नहीं डालेगा, राइट? उसके साथ साथ आपका जो ओ एम पैरा, ये जो अदर मैटर्स है वो कहां पे इंक्लूड होंगे? वो एक सेपरेट हेडिंग बनेगी और सेपरेट हेडिंग का नाम क्या होगा? ओ एम पैरा, राइट? उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि आपके ऑडिटर ने अब डिसाइड तो कर लिया कि उसको ईओएम, उसको पता लग गया कि वो कौन कौन से मैटर्स हैं जिसके ऊपर वो इम्फेसिस डालना चाहता है और वो कौन कौन से मैटर्स है जिसको वो ओएम पैरा में डालना चाहता है, राइट? अब आपका ऑडिटर इन मैटर्स को, इस पैरा को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालेगा कहां? अगला टॉपिक है कि इसकी प्लेसमेंट क्या होगी आपकी ऑडिट रिपोर्ट में, राइट? तो स्टैंडर्ड कहता है कि सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से नेचर की इंफॉर्मेशन है, जिस नेचर की इंफॉर्मेशन को आपका ऑडिटर कम्युनिकेट करना चाहता है, राइट? तो सबसे पहले अगर ईओ एम पैरा रिलेट करता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि अगर जिस सिचुएशन में कोई लॉ या रेगुलेशन ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब करता है व्हिच इज अनएक्सेप्टेबल, तो उस केस में आपके ऑडिटर को एक ईओएम पैरा डालना है। तो ये स्टैंडर्ड कहता है, ध्यान से सुनो, यहां से भी एमसीक्यू बनता है, ये स्टैंडर्ड कहता है कि तुम उस ईओएम पैरा को कहां पे डाल दो? जहां पे तुम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बेसिस फॉर ओपिनियन का पैरा डालते हो, उससे फॉलोइंग पैरा, मतलब उससे अगले वाला पैरा कौन सा डालोगे तुम? ईओएम पैरा, ताकि जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो आपके ओपिनियन के कंटेक्स्ट को समझ पाए, राइट? उसके बाद कहता है कि जहां पे आपके ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में काम भी इंक्लूड किया है और आपका ऑडिटर अब ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कि उसको ईओएम भी डालना है। देखो, अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि काम भी डाल रहा है और वो ईओएम भी डाल रहा है। मैंने बोला कि जिन मैटर्स के रिलेशन में वो काम डाल रहा है, उन मैटर्स के रिलेशन में वो ईओएम नहीं डाल सकता, लेकिन अदर मैटर्स के रिलेशन में तो वो काम डाल सकता है और ईओएम डाल सकता है, राइट? तो अगर उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में काम भी डाला, दैट इज की ऑडिट मैटर पैरा भी डाला है, और वो सोच रहा है कि किसी और मैटर के रिलेशन में उसको ईओएम पैरा डालना है, तो वो आपके काम के आगे,
आपके ईओएम पैरा को डाल सकता है या फिर काम के पीछे अपने ईओएम पैरा को डाल सकता है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है आपका एससी नंबर 706। फिर आता है ओएम पैरा की प्लेसमेंट कैसे होगी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि देखो जहां पे आपके ऑडिटर ने काम इंक्लूड किया है तो आपका ऑडिटर एक सेपरेट हेडिंग बनाएगा और हेडिंग का नाम क्या होगा? अदर मैटर स्लैश जिस भी मैटर की आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। मान लो अदर मैटर है स्कोप ऑफ ऑडिट, तो आप उसको लिख दोगे वहां पे और उसमें वहां पे आप अदर मैटर की डिस्क्रिप्शन दे दोगे। और लेकिन वो जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो इजीली डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सा आपका ओएम पैरा है और कौन सा आपका की ऑडिट मैटर पैरा है। ऐसा आपका एसए नंबर 706 बोलता है, राइट। उसके बाद जहां पे आपके ऑडिटर ने ओएम पैरा इंक्लूड किया है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में और वहां पे आपके ऑडिटर ने उस ओएम पैरा को क्यों इंक्लूड किया है? टू ड्रॉ द अटेंशन टू अदर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अगर कोई लो रेगुलेशन आपके ऑडिटर के ऊपर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाता है तो वो उसको कहां पे इंक्लूड कर सकता है? उसको इंक्लूड कर सकता है एक, हम अगर आपको याद हो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का सेक्शन आता है ऑडिट रिपोर्ट में, वहां पे उसको वो इंक्लूड कर सकता है, राइट। उसके बाद थर्ड सिचुएशन जहां पे आपका ऑडिटर उन मैटर्स को अपने ओएम पैरा में डालना चाहता है जो मैटर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेलिवेंट है, उस केस में आपका ऑडिटर इन मैटर्स को एक सेपरेट सेक्शन में इंक्लूड करेगा और वो सेक्शन कहां पे आएगा? वो सेक्शन फॉलो करेगा जहां पे आपका ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जहां पे वो रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो जो मैटर है उसको लिखते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, या फिर जहां पे वो अपना रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देता है उसके बाद वाले पैरा में आपका ऑडिटर ओएम पैरा को इंक्लूड करेगा, राइट। तो कहां पे आपका ओएम और ईओएम पैरा आएगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि किस नेचर की इंफॉर्मेशन आपका ऑडिटर कम्युनिकेट करना चाहता है। तो यहां से एमसीक्यू भी बन सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी बन सकता है। तो आप इसको एज अ स्टोरी याद करने की कोशिश करना कि क्या वो मैटर है जिनको आपका ऑडिटर कम्युनिकेट करना चाहता है, मतलब जो कम्युनिकेशन है उसका नेचर कैसा है, वो मैटर क्या है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट में उन मैटर्स की प्लेसमेंट कहां पे होगी, राइट। फिर स्टैंडर्ड ये भी कहता है जिन भी मैटर्स को आपका ऑडिटर एज ओएम या फिर ईओएम पैरा में डालना चाहता है तो आपका ऑडिटर सबसे पहले उसको किसको बताएगा? उसकी कम्युनिकेशन उसको टीसीडब्ल्यूजी में करनी पड़ेगी। यहां पे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, राइट। सो दिस इज योर एसए नंबर 706। विल स्टार्ट नाउ विद एसए नंबर 710। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो बात करता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन रिलेशन टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले समझते हैं कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती क्या है। आपने कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जरूर देखी होगी। आपने वहां पे क्या देखी होगी, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, यहां पे उनके करंट ईयर के बैलेंसेज होते हैं, उसके साइड पे जो कॉलम होता है वहां पे प्रीवियस ईयर के बैलेंसेज होते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर के बैलेंस है ये क्या होते हैं? आपकी कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। ये यहां पे एक साल का भी हो सकता है, एक से ज्यादा साल का भी हो सकता है। ज्यादा प्रिसाइज होके बोलूं तो ये आपकी होती है कोरस्पोंडिंग फिगर्स, राइट। कोरस्पोंडिंग फिगर्स का मतलब ये जो आपको फिगर्स दिखती है ना आपके करंट ईयर की फिगर्स के साथ में, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट होती है, राइट। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दो टाइप की हो सकती है, नंबर वन आपकी कोरस्पोंडिंग फिगर्स और नंबर टू इज योर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोरस्पोंडिंग फिगर्स में जो अमाउंट, जो डिस्क्लोजर एज अ कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तुम्हारी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्रेजेंट किए जाएंगे वो तुम्हारी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट होंगी, राइट। और जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो उस टाइप की आपकी कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जहां पे आपकी मैनेजमेंट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, मतलब वो आपकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ पिछले सालों की भी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी। और आपका एसए नंबर 710 आपके ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि उसको कंफर्ट लेना पड़ता है इन केस अगर आपकी मैनेजमेंट ने आपकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की है। आपका स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि आपके ऑडिटर की जो रिपोर्टिंग है उसको कोई भी ओपिनियन नहीं देना पड़ता अगर आपके मैनेजमेंट ने कोरस्पोंडिंग फिगर्स इंक्लूड की हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसका ओपिनियन रेफर करता है ईच पीरियड को, मतलब उसको वहां पे हर एक पीरियड के ऊपर जिस भी पीरियड की कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी मैनेजमेंट ने आपकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इंक्लूड की है उसको अपना ऑडिट ओपिनियन उन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी देना पड़ता है, राइट। यही बात आपका स्टैंडर्ड बार बार बोलेगा।
हम स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का सबसे पहला टॉपिक क्या है कि डेफिनेशन होती क्या कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। अभी मैंने आपको बताया कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब वो अमाउंट, वो डिस्क्लोजर जो आपके मैनेजमेंट ने करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए हैं, लेकिन जो बिलोंग किससे करते हैं, पिछले साल या पिछले सालों से। फिर उसके बाद कहते हैं कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दो टाइप की हो सकती है, एक कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स, दूसरी हो सकती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट होती हैं और आपके ऑडिटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इन फिगर्स के ऊपर ओपिनियन देने की। इंडिया में जो प्रेजेंटेशन होती है वो कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स की होती है, राइट। उसके बाद आती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपको एक होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है ताकि जो यूजर्स हैं वो कंपैरिजन कर सके, राइट। और आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर जितनी भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी मैनेजमेंट ने अपनी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इंक्लूड की है उसका ऑडिट ओपिनियन उन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रेफर करेगा, राइट। यही बात आपका स्टैंडर्ड बोलेगा। तो स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या लगाता है? स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें ऑब्टेन करने हैं सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि अगर आपकी मैनेजमेंट ने करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड की है तो क्या वो आपकी मैनेजमेंट ने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसकी प्रेजेंटेशन करी है या नहीं करी है, और अल्टीमेटली आपको अपनी रिपोर्ट दे देनी है। इन शॉर्ट बोलूं, आपके ऑडिटर को कंफर्ट लेना है कि अगर किसी एंटिटी की करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल की भी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है या पिछले सालों की भी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, जो भी अमाउंट, जो भी डिस्क्लोजर वो शो हो रहे हैं वो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट किए हैं आपकी मैनेजमेंट ने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट, इसके ऊपर आपके ऑडिटर को कंफर्ट लेना है। और कंफर्ट लेने के लिए आपका ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज कलेक्ट करने के लिए वो परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स, और वो जोन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा वो रिक्वायरमेंट लगाता है आपका एसए नंबर 710 जिसको हम अभी पढ़ेंगे, राइट। स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर जब तुम कंफर्ट लोगे सबसे पहले ये डिटरमाइन करना कि जो भी आपकी मैनेजमेंट ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैंडओवर की हैं क्या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड है तो तुम ये देखना कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली क्लासीफाई किया है इस इंफॉर्मेशन को या नहीं। उसके बाद तुम इस चीज को भी इंश्योर करना कि जो भी अमाउंट, जो भी डिस्क्लोजर तुम्हें इस साल अपनी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें दिख रहे हैं पिछले साल भी वही अमाउंट थे, वही डिस्क्लोजर्स थे। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज तुम्हें कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में शो हो रही हैं पिछले साल भी वही आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी मैनेजमेंट ने फॉलो की थी, और अगर कोई भी चेंज है उन अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो क्या आपकी मैनेजमेंट ने उस चेंज का अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है, तुम्हें इस चीज की इवैल्यूएशन करनी है, ऐसा स्टैंडर्ड कहता है। उसके बाद स्टैंडर्ड यह भी कहता है कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपका ऑडिटर कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसिस के बारे में अवेयर होता है जिसकी वजह से उसको एक पॉसिबल मिस स्टेटमेंट दिखाई दे रही है आपकी कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को उस सिचुएशन में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपका ऑडिटर ही पिछले साल उस कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिटर था तो उसको यह भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि एसए नंबर 560 में क्या उसके ऊपर सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर कोई भी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या नहीं आती है, आपका ऑडिटर इस चीज को भी इवेल्युएट करेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड ये भी कहता है आपका ऑडिटर एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले सकता है आपके मैनेजमेंट से इन रिलेशन टू दिस प्रायर पीरियड के अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, राइट। मूविंग फॉरवर्ड आता है कि आपका ऑडिटर रिपोर्ट कैसे बनाएगा, वो रिपोर्टिंग कैसे करेगा। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स की, उसके बाद रिपोर्टिंग देखेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो स्टैंडर्ड कहता है, मतलब एसए नंबर 710 कहता है कि ऑडिटर तुम्हारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब तुम्हें अपना ओपिनियन नहीं देना है कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स के ऊपर एक्सेप्ट इन दीज टू सिचुएशंस, मतलब ये जो दो सिचुएशन अभी हम डिस्कस करेंगे इन दो सिचुएशन में तुम्हें अपना ओपिनियन देना है, अदरवाइज तुम्हारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कौन कौन सी सिचुएशन? नंबर वन, अगर पिछले साल की जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ शो हो रही है उसमें मॉडिफिकेशन थी, मतलब पिछले साल एक मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट थी और जिन मैटर्स की वजह से वो मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी गई थी वो मैटर
आज भी अनरिजोल्व्ड है, वो मैटर आज भी रेलिवेंट है। उस केस में स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर तुम्हें अपना करंट ईयर का ऑडिट भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, करंट ईयर का ओपिनियन भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन, अगर आपके ऑडिटर को कोई भी ऐसे ऑडिट एविडेंस मिलते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपकी कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, तो आपका ऑडिटर सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करेगा कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने इस मटेरियल मिस स्टेटमेंट का अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर उसको पता लगता है कि नहीं, मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं किया है, उस केस में स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर क्योंकि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ने कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में और आपके मैनेजमेंट ने इसका अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं किया है, तो तुम्हें क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन इशू करना पड़ेगा। राइट, उसके बाद स्टैंडर्ड ये बात भी बताता है कि अगर इस सिचुएशन को बताता है कि अगर आपके पिछले साल की कोरोस्पोंड आपके पिछले साल की करंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने ऑडिट नहीं करी थी, मतलब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करी थी, मतलब प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट करी थी, तो उस केस में आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहां से डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है और यहां से आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई लॉ या रेगुलेशन आपके ऑडिटर को प्रोहिबिट नहीं करता, उस केस में सबसे पहले आपके ऑडिटर को क्या डालना पड़ेगा, एक ओएम पैरा, जिसकी डिस्कशन हमने अभी अभी एसए नंबर 706 में करी, और वो रिपोर्ट करेगा इस बात को बताएगा ओएम पैरा में डाल के कि देखो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ऑडिट नहीं करी, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर, और उसने किस टाइप का ओपिनियन दिया था वो भी वो यहां पे बताएगा, और अगर पिछले साल का मॉडिफाइड ओपिनियन था तो किस रीजंस की वजह से वो मॉडिफिकेशन दी गई थी वो भी आपका ऑडिटर यहां पे इंक्लूड करेगा, और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या थी वो भी आपको ऑडिटर यहां पे बताएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि ऐसा भी होगा कई बार कि आपको पता लगेगा कि जो इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट के साथ कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब कोरेस्पोंडिंग फिगर्स आ रही हैं, वो पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुई थी, मतलब पिछले साल आपके एंटिटी ने ऑडिट कराई ही नहीं थी, तो उस केस में भी स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर ओएम पैरा डाल देगा और इस बात को रिपोर्ट करेगा कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई थी। लेकिन स्टैंडर्ड इस चीज को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करता है कि इसका मतलब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर पिछले साल की आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू दीज इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, मतलब आपके ऑडिटर को सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर, क्योंकि भले ही पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई थी, पिछले साल के बैलेंसेस इस साल में ओपनिंग बैलेंसेस बन के आ रहे होंगे, तो जो उसकी ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको यहां पे फुलफिल करनी पड़ेगी। राइट, उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड आपका ऑडिटर रिपोर्टिंग कैसे करेगा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी एंटिटी की करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, तो आपका ऑडिटर का ओपिनियन विल रेफर टू ईच पीरियड, मतलब ऑडिटर आपकी जितनी भी पीरियड की कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी मैनेजमेंट ने इंक्लूड की है, आपका ऑडिटर उसके ऊपर भी ऑडिट ओपिनियन देगा। और अगर आपके ऑडिटर का ओपिनियन डिफरेंट है फ्रॉम द ओरिजिनल ऑडिट ओपिनियन ऑन द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस केस में आपके ऑडिटर को एक ओएम पैरा डालना पड़ेगा और उसको रीजन बताना पड़ेगा, मतलब पिछले साल मॉडिफिकेशन थी ऑडिट ओपिनियन में और इस बार आपका ऑडिटर कह रहा है क्लीन है या वाइस वर्सा, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आपका ऑडिटर इस बात को ओएम पैरा में डाल के बताएगा और वो रीजन भी बताएगा कि डिफरेंस क्यों है। उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करी थी, तो आपका ऑडिटर इस बात को ओएम पैरा डाल के बताएगा, जो हमने अभी अभी ऊपर कोरेस्पोंडिंग फिगर्स में देखा, और उस ओएम पैरा में वो इस बात को बताएगा कि पिछले साल मैंने ऑडिट नहीं करी, किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट करी थी, और किस टाइप का उसने ओपिनियन दिया था और डेट क्या थी ऑडिट रिपोर्ट की, और अगर कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है आपकी प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो, जिसके ऊपर आपके प्रीडिसेसर ऑडिटर ने एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, मतलब जब उसने चेकिंग करी आपके प्रीडिसेसर ऑडिटर ने उन इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ था, लेकिन जब आपके ऑडिटर ने चेकिंग करी उसमें उसको मिस स्टेटमेंट मिली, तो उस केस में इस बात की कम्युनिकेशन वो टीसीडब्ल्यूजी को बोलेगा, और वो ये भी बोलेगा टीसीडब्ल्यूजी को कि जाके इसको इंटीमेट करो अपने प्रीडिसेसर ऑडिटर को, और अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर अग्री कर जाता है कि मैं एक नई रिपोर्ट इशू कर देता हूं या अमेंडेड रिपोर्ट इशू करने को, उस केस में आपका ऑडिटर किसके ऊपर ओपिनियन देगा, सिर्फ आपकी करंट ईयर के ऊपर ओपिनियन देगा। राइट, ऐसी बात आपका कौन बोलता है, स्टैंडर्ड बोलता है।
मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुई तो स्टैंडर्ड कहता है इस बात को अपने ओएम पैरा में डालेगा, लेकिन जो उसकी ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम नहीं हो जाती ओएम पैरा डालने से, मतलब सेम एज कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। सो दिस वॉज योर एसए नंबर 710, मूविंग फॉरवर्ड टू एसए नंबर 720। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज एसए नंबर 720, जो बात करते हैं आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब चाहे वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल नेचर की, चाहे वो इन्फॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, जो आपके मैनेजमेंट ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में शो करी है आपके ऑडिटर की, उस इन्फॉर्मेशन को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताता है एसए नंबर 720। अगर आपने कभी भी किसी एंटिटी की एनुअल रिपोर्ट देखी हो तो आपको पता होगा कि कितनी बड़ी वो एनुअल रिपोर्ट होती है और उसके अंदर कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, और सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो एसए नंबर 720 बताता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एसए नंबर 720 क्या कहता है आपके ऑडिटर को, एसए कहता है कि ऑडिटर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें यह कंसिडर करना है कि क्या कोई, सबसे पहली चीज, क्या कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी है और जो इन्फॉर्मेशन वो अपनी एनुअल रिपोर्ट में दे रहे हैं, क्या उनके बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है, और उसके साथ साथ उसको ये भी इवेल्युएट करना है कि क्या कोई इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है बिटवीन दी अदर इन्फॉर्मेशन और जो आपके ऑडिटर की नॉलेज है ऑडिट को लेकर, मतलब जब उसने अपनी ऑडिट करी और जो उसकी नॉलेज है एंटिटी को लेकर, उन दोनों के बीच में, अदर इन्फॉर्मेशन और ऑडिटर की नॉलेज के बीच में क्या कोई इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है, और अगर इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है या फिर अगर आपके ऑडिटर को पता लगा कि अदर इन्फॉर्मेशन में कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, उस केस में स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि ऑडिटर को अपने रिस्पॉन्सेज देने हैं और अल्टीमेटली उसको रिपोर्टिंग देनी है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑडिटर के ऊपर एसए नंबर 720 लगाता है। दो बात बोलता है कि उसको इनकंसिस्टेंसी देखनी है, इनकंसिस्टेंसी किसके बीच में, अदर इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में इंक्लूड करी है, दूसरी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन और जो आपके ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग है इन्फॉर्मेशन को लेकर, आपकी ऑडिट को लेकर, उसके बीच में, और तीसरी चीज, अगर इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है तो आपके ऑडिटर को रिस्पॉन्सेज भी जनरेट करने हैं उस चीज को इंश्योर करने के लिए, वो इनकंसिस्टेंसी का रीजन क्या है, उसकी इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से उसकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, और रिस्पॉन्सेज वो कैसे जनरेट करेगा बाय परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, और अल्टीमेटली उसको अपनी रिपोर्ट दे देनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है एसए नंबर 720 ऑन द ऑडिटर। उसके बाद स्टैंडर्ड कौन कौन से रिक्वायरमेंट लगाता है आपके ऑडिटर के ऊपर, स्टैंडर्ड कहता है कि सबसे पहले आपका ऑडिटर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा, क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर डिस्कस करेगा आपकी मैनेजमेंट से और वो मैनेजमेंट से पूछेगा कि मैनेजमेंट सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो आप एनुअल रिपोर्ट देते हो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देते हो, और आपकी मैनेजमेंट इन डॉक्यूमेंट को कब प्लान कर रही है देने का, राइट। अगर पॉसिबल होगा, मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल नहीं भी होगा, क्या पॉसिबल नहीं होगा मैम, कि आपका ऑडिटर कोशिश करेगा कि ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले मिल जाए, तो स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम कोशिश करना कि तुम अदर इन्फॉर्मेशन को ऑडिट रिपोर्ट से पहले इशू कर लो, लेकिन अगर आपके ऑडिटर को ये इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले नहीं मिलती है तो वो मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन रेडी हो जाएगी आप इस अदर इन्फॉर्मेशन को बाहर इशू करने से पहले मुझे इसको दोगे, ताकि मेरी जो भी रिक्वायरमेंट मेरे ऊपर एसए नंबर 720 लगाता है मैं उस चीज को फुलफिल कर सकूं, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर जब तुम्हें अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुम क्या करोगे, तुम उसकी रीडिंग करोगे और अदर इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे, तो आपका ऑडिटर जब रीडिंग करेगा अदर इन्फॉर्मेशन को समझेगा उस टाइम पे वो इंश्योर करेगा कि क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है किसके बीच में, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन आपकी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करी है। दूसरा, वो ये भी इवेल्युएट करेगा कि क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है किसके बीच में, अदर इन्फॉर्मेशन और जो आपके ऑडिटर की नॉलेज है अबाउट दी एंटिटी, जो भी उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं उस ऑडिट के बेसिस पे, अगर कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सेस जनरेट करने हैं, राइट। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम अलर्ट रहना, मतलब तुम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना कि कहीं कोई ऐसी सिचुएशन तो एग्जिस्ट नहीं करती कि जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी को लेकर, ऑडिट को लेकर, वो चेंज हो रही है, तो आपका ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहेगा उन सिचुएशन को लेकर जो इंडिकेटिव हो सकते हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट के। तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये सारी रिक्वायरमेंट एसए नंबर 720 आपके ऑडिटर के ऊपर लगाता है। कौन कौन सी, सबसे पहले स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम मैनेजमेंट से अदर इन्फॉर्मेशन लेना, मैनेजमेंट से डिस्कस करना कि मैनेजमेंट
कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारी एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं और किस टाइम तक तुम मुझे इनको इशू कर दोगे। अगर पॉसिबल हो सके तो ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले इन डॉक्यूमेंट को लेने की कोशिश करना, और जहां पे मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले नहीं दे पाती तो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना मैनेजमेंट से कि जैसे ही ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे, जैसे ही अदर इन्फॉर्मेशन तैयार हो जाएगी बाहर इशू करने से पहले, ये अदर इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दोगे ताकि मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकूं। उसके साथ साथ जब तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुम इस इन्फॉर्मेशन को रीड करना और तुम कंसिडर करना क्या कि क्या कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है अदर इन्फॉर्मेशन और उस इन्फॉर्मेशन के बीच में जो आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करी है। ये भी तुम इंश्योर करना, ये भी कंसिडर करना कि क्या कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है अदर इन्फॉर्मेशन और जो आपके ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी को लेकर बेस्ड अपॉन दी ऑडिट, इस चीज को भी तुम कंसिडर करना। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ये भी कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू हैव टू रिमेन अलर्ट कि क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट करते हैं दोज मे बी इंडिकेटिव ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द अदर इन्फॉर्मेशन, राइट। उसके बाद आता है कि अगर आपके ऑडिटर को कोई भी मटीरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है, अभी अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा आपके ऑडिटर को रिस्पॉन्सेज जनरेट करने पड़ते हैं, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है आपका ऑडिटर रिस्पॉन्सेज जनरेट करेगा जब इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है आप और अदर इन्फॉर्मेशन मटीरियली मिसस्टेटेड है, दोनों ही सिचुएशन में इसको क्या करना पड़ेगा रिस्पॉन्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। आपका ऑडिटर इन मैटर्स को डिस्कस करेगा कि उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं आपकी मैनेजमेंट के साथ, और वो इस चीज को कंफर्म करेगा कि क्या कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है बाय परफॉर्मिंग दी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, और उसके साथ साथ कि क्या कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है अदर इन्फॉर्मेशन में, और जो आपके ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग थी एंटिटी को लेकर, उसके एनवायरमेंट को लेकर, क्या आपके ऑडिटर को उस अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज करने की जरूरत है, उस अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करने की जरूरत है, आपका ऑडिटर इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेगा बाय परफॉर्मिंग दी ऑडिट प्रोसीजर्स, उसको अपने ऑडिट रिस्पॉन्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। और वो रिस्पॉन्सेज कब जनरेट करेगा जब एक मटीरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है या तो अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बीच में, या फिर मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है अदर इन्फॉर्मेशन में, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सेज परफॉर्म करेगा जब मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है अदर इन्फॉर्मेशन में, तो स्टैंडर्ड कहता है कि सबसे पहले तुम देखना कि क्या ये जो मिसस्टेटमेंट है वो एग्जिस्ट करती है बिफोर द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब आपके ऑडिटर को ये गलती तब मिली है जिस टाइम पे अभी तक उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बाहर इशू नहीं करी है। तो सबसे पहले क्योंकि उसने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाई है तो वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि मैनेजमेंट ऐसा करो तुम इस गलती को ठीक कर दो, करेक्ट कर दो अपने स्टेटमेंट को। अगर मैनेजमेंट अग्री कर जाती है तो उस केस में आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ये इवैल्यूएट करेगा कि क्या एक्चुअल में वो गलती ठीक हो गई है। लेकिन अगर मैनेजमेंट मना कर देती है गलती को ठीक करने से, तो क्योंकि अब मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो वो जाएगा हायर अथॉरिटी के पास, मतलब अपनी TCWG के पास, और TCWG को बोलेगा कि आपकी मैनेजमेंट इसको करेक्ट नहीं कर रही है, और अगर आपकी TCWG इसको करेक्ट करवा देती है तो ओके, और अगर वो भी मना कर देती है तो वो appropriate step लेगा, including वो इस चीज को भी evaluate करेगा कि इस non correction का effect उसकी audit report के ऊपर क्या आ रहा है, और अगर law और regulation उसको allow करते हैं, prohibit नहीं करते, तो वो withdraw कर जाएगा audit engagement से, right? उसके बाद अच्छा यहाँ पे descriptive question बन सकता है कि आपके auditor के responses क्या होंगे जब material misstatement exist करती है other information में। बहुत simple सा है, अगर audit report उसने अभी तक issue नहीं करी तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, management के पास, management को बोलेगा ठीक कर दो, management ठीक कर देती है तो वेल एंड गुड, मैनेजमेंट मना कर देती है तो जाएगा TCWG के पास, TCWG ठीक कर देती तो गुड, TCWG ठीक नहीं करती तो वो देखेगा इसका इफेक्ट उसके ओपिनियन के ऊपर क्या पड़ रहा है, राइट। उसके बाद आगे कहता है कि अगर आपके ऑडिटर को ये मिसस्टेटमेंट तब मिली है जब आपका ऑडिटर ऑलरेडी अपनी ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर चुका है, उस टाइम पे भी वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि मैनेजमेंट ठीक करो इस गलती को, अगर मैनेजमेंट मान जाती तो वेल एंड गुड, और वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ये देख लेगा कि क्या एक्चुअल में ये मिसस्टेटमेंट ठीक हुई है। लेकिन अगर मैनेजमेंट मना कर देती तो कहां जाएगा वो, TCWG के पास, TCWG मान जाती है तो वेल एंड गुड, राइट। उसके साथ साथ वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा क्योंकि अभी क्या है कि रिपोर्ट इशू हो चुकी है, राइट, और अगर TCWG उस मिसस्टेटमेंट को करेक्ट करने से मना कर देती है, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन जिन लोगों के पास वो रिपोर्ट इशू हुई है उसको इस बात के बारे में बताया जाए कि अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट है, राइट, ऐसा आपका स्टैंडर्ड कहता है। उसके बाद स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि अगर इन केस आपके ऑडिटर को कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस मिलते हैं, कुछ ऐसी इनकंसिस्टेंसी मिलती है जिसकी वजह से उसको लगता है कि जो उसकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी एनवायरमेंट को लेकर, एंटिटी को लेकर, ऑडिट को लेकर, उसको उस अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करना
करना है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपका ऑडिटर विल टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन। अब वो एप्रोप्रिएट एक्शन क्या है वो आपके स्टैंडर्ड ने यहाँ पे नहीं बताई, राइट। तो ये रिस्पॉन्सेज वाला पार्ट इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन, इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है तो कौन से उसको रिस्पॉन्सेज परफॉर्म करने हैं, कौन से रिस्पॉन्सेज वो तब परफॉर्म करेगा जब कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, और अगर उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग अपडेट करने की जरूरत है तो वो कौन से रिस्पॉन्सेज परफॉर्म करेगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिपोर्टिंग, कि आपका ऑडिटर अब रिपोर्ट कैसे देगा अपनी। तो सबसे पहले कहते हैं कि आपका ऑडिटर एक सेपरेट सेक्शन बनाएगा अदर इन्फॉर्मेशन का। इसको हमने एसए नंबर 700 में भी देखा था, राइट, कि अगर उसको अदर इन्फॉर्मेशन के रिलेशन में कोई भी रिपोर्ट देनी है तो उसको कहाँ पे देगा, वो अपना एक सेपरेट सेक्शन बनाएगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। और अगर ये रिपोर्ट किसी लिस्टेड एंटिटी की है तो उस सेक्शन के अंदर इंक्लूड करेगा अदर इन्फॉर्मेशन जो उसको मिल गई है, और उसके साथ साथ जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मिल जाएंगी। अभी हमने ऊपर देखा कि जिस टाइम पे वो रिपोर्ट बनाता है उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो जो इंफॉर्मेशन वो एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि उसको मिल जाएगी, वो इंफॉर्मेशन भी यहां पे इंक्लूड करेगा। अगर वो अनलिस्टेड एंटिटी है तो वो उसमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेगा जो उसको मिल चुकी है, राइट। यहां से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूं, शायद वो एमसीक्यू में इस बात को पूछ ले, राइट। आगे आता है कि कंटेंट क्या होगा अदर इंफॉर्मेशन का, मतलब जो भी वो अदर इंफॉर्मेशन के पैरा में बातें डालेगा वो क्या क्या बातें डालेगा। स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर एक स्टेटमेंट लिखेगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे अदर इंफॉर्मेशन देना, पहली स्टेटमेंट वो लिखेगा। दूसरी चीज, अगर उसको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ऑब्टेंड हुई है, मतलब कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन मिली है बिफोर दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उस अदर इन्फॉर्मेशन को भी वो लिख देगा। और अगर वो लिस्टेड एंटिटी है और उसको अभी तक अदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो जो इन्फॉर्मेशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको मिल जाएगी, उसको भी वो यहाँ पे इंक्लूड कर देगा। उसके साथ साथ वो इस स्टेटमेंट को लिखेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि ऑडिटर का ओपिनियन अदर इन्फॉर्मेशन पे नहीं है, ऑडिटर का ओपिनियन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इस चीज को भी वो उस आपके अदर इन्फॉर्मेशन के पैरा में उसको वहां पे स्पेसिफाई करेगा। उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज पर एसए नंबर 720 अबाउट द अदर इंफॉर्मेशन, उसको भी वो वहां पे लिखेगा। और अगर आपके ऑडिटर को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये इंफॉर्मेशन उसको कब मिली है, प्रायर टू द इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और वहां पे वो स्टेटमेंट इंक्लूड करेगा। देखो, अगर उसको अदर इंफॉर्मेशन मिल गई और उसको लगता है कि उसको कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है तो भी वो एक उस बात को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा। और अगर कोई उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है, उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट के डिस्क्रिप्शन भी वो यहां पे इंक्लूड करेगा। तो एग्जाम में यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंटेंट वो अपनी अदर इंफॉर्मेशन वाले पैरा में डालेगा, कौन कौन से। नंबर वन, वो सबसे पहले बताएगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो ये भी बताएगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो ये भी बताएगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन नहीं देना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है। अगर वो लिस्टेड एंटिटी है तो जो इंफॉर्मेशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है मिलना उसको इंक्लूड करेगा, वो उस इंफॉर्मेशन की डिस्क्रिप्शन देगा जो उसको अदर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और अगर उसको कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिली है तो उस मटीरियल मिसस्टेटमेंट की डिस्क्रिप्शन भी वो अदर इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ में देगा, राइट। और एसए नंबर 720 उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन, उसको भी वो इंक्लूड करेगा। तो हमने क्या देखा अभी तक, अदर इन्फॉर्मेशन में हमने देखा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके रिस्पॉन्सेस क्या है, और उसकी रिपोर्टिंग क्या है। उसके बाद आता है छोटी मोटी सी रिक्वायरमेंट जो एसए नंबर 720 लगाता है, वो कहता है कि अगर रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब कौन करता है, आपका लॉ या रेगुलेशन। ये पॉइंट कहता है कि अगर कहीं पे कोई पर्टिकुलर लॉ या रेगुलेशन आपकी ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट को, उसके लेआउट को प्रिस्क्राइब करता है, तो ये तीन बातें तो आपका ऑडिटर मिनिमम, मतलब बेयर मिनिमम, ये तीन चीजें तो इंक्लूड करेगा ही करेगा अपनी रिपोर्ट में। कौन कौन सी? नंबर वन, उसको जो जो भी अदर इन्फॉर्मेशन उसके मैनेजमेंट ने दी है, उसने अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आइडेंटिफाई की है उसको वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके साथ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज पर एसए नंबर 720 इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन, उसको भी बताएगा। और एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट देगा कि जो भी अदर इन्फॉर्मेशन थी, उस अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब भी उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे उसकी आउटकम क्या थी। जो बात मैंने अभी अभी ऊपर लिखी वही बात यहां पे लिखी थी। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो रिस्पॉन्सिस का है और आपका रिपोर्टिंग वाला पोर्शन है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, वो कहता है अगला पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन, किस किस चीज की डॉक्यूमेंटेशन करेगा, आपने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे अंडर दिस एसए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर देना, और आपका फाइनल वर्जन क्या था अदर इन्फॉर्मेशन का जिसके ऊपर आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं, इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। एंड दिस वॉज योर एसए नंबर 720। आई होप कि आपको ये एसए नंबर 706, 710 एंड 720 अच्छा लगा होगा।
इससे कम टाइम में मैं इस स्टैंडर्ड को नहीं करवा सकती थी. रीज़न बीइंग बहुत ही लेंथी स्टैंडर्ड है, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके इन स्टैंडर्ड्स को कराया है. क्योंकि अगर आपने कभी नोट किया होगा, मैं कहीं पे कोई एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल देने लग जाऊँगी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंथी क्लास. लेकिन आई एम 100% श्योर कि आपको पता है कि किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं एंड यू आर रिवाइजिंग दिस स्टैंडर्ड्स. अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट, कमेंट if you want to comment, and you can join the telegram channel as well, right? I'm not sure कि आप कब देखोगे इसको, लेकिन जब ये बाहर पब्लिश होगी उसके एक दो दिन के बाद टेलीग्राम चैनल भी पब्लिश हो जाएगा. यू कैन जॉइन दैट एज वेल फॉर नोट्स एंड अदर अपडेट्स. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल. हैव अ ग्रेट डे और नाइट जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो. बाय बाय.